तो आपने महाबल को उतार दिया, धन बल मंत्री संतरी सबको उतार दिया। आपको क्या मिला? निषाद का ठेंगा मिला, एको को वोट नहीं मिला। यूपी बिहार झारखंड में निषादों ने ललकारा है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार। वो भी चाहता है कि समाज को गुमराह करो, फूट डालो, राज करो, एक आदमी को आगे कर बाकी लोगों को गुलाम बना के रखो। आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कीजिएगा, लड़ाई नहीं लड़िएगा, तब तक ये राज और ये देश के लोग आपको पहचानेगा नहीं। साथियों, 25 जुलाई को ही पटना से वीरांगना फूलन देवी जी के शहादत दिवस के अवसर पर हम लोगों ने एक यात्रा निकाला है। ये 101 दिन का ये यात्रा है, और यूपी में, झारखंड में और बिहार के सभी जिला में हम लोग जाएंगे, तकरीबन 80 जिला में जाएंगे, और समाज के हक अधिकार की बात करेंगे। और ऐसे तो पूरे बिहार में बहुत सारे जिला को बहुत कुछ समझाना पड़ता है, लेकिन खास करके सहरसा जिला में बहुत कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। सहरसा जिला का सभी पदाधिकारी, माता बहन, सभी निषाद समाज के सभी उपजाति, बिन बेलदार, नुनिया, मला, चाय, तियर, बनपर, गोरी, तमाम हमारे 2200 उपजाति मजबूती से पार्टी के साथ खड़े हैं, और पूरे बिहार को नहीं पूरा देश को संदेश दे चुके हैं कि हम वीआईपी पार्टी के साथ हैं, और अपने हक अधिकार के लिए, अपने बच्चे के हक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारी अपनी पार्टी बन चुकी है। जब हमने अकेले चुनाव लड़ा था सिमरी बख्तियारपुर में, और आप लोगों ने 25-26 हजार वोट लाकर अकेले अपने दम पर अपने पूरे बिहार को दिखा दिया कि वीआईपी पार्टी कितना मजबूत है, कितना शक्तिशाली है, और इसी के दम पर आज बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी हमारे सामने में झुकते हैं। उन सबको पता है कि वीआईपी पार्टी बहुत मजबूत है, तो आप तो पहले से ऑलरेडी मजबूत है, लेकिन यात्रा निकले और सहरसा में ना आए, ऐसा भी नहीं हो सकता है कि यात्रा का आवश्यकता तो सहरसा में नहीं है, लेकिन यात्रा ना आए तो विरोधी भी सवाल करेंगे कि आखिर यात्रा सहरसा में क्यों नहीं आए। तो इसलिए हम लोगों ने समय निकाल के आपके बीच में आए हैं, और तबीयत भी थोड़ा अस्वस्थ है, लगातार एक महीना से अधिक हो चुका है, लगातार कई जिला में जाके कार्यक्रम करना, एक दिन में 10-10 रैली करना, सैकड़ों लोगों से, हजारों लोगों से मिलना, और आज आपके जिला में आए हैं तो एक संदेश लेके आए हैं। साथियों, जब तक आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कीजिएगा, लड़ाई नहीं लड़िएगा, तब तक ये राज और ये देश के लोग आपको पहचानेगा नहीं। जब आपने लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया, एकजुटता के साथ आपने सिमरी बख्तियारपुर में हमारे स्वर्गीय वीआईपी पार्टी के नेता दिनेश निषाद जी को आप लोगों ने एक संगठन के साथ मजबूती से एक साथ खड़ा होकर 25,500 वोट आपने दिया, तब आपको जिला के लोग भी और पूरा बिहार राज्य के लोग भी आपको मानने लगा कि नहीं, आप अपने आने वाला पीढ़ी के लिए संघर्षशील है और लड़ाई लड़ना चाहते हैं। फिर लोगों ने आपको नोटिस लिया। चुनाव में तो वोट तो आप आजादी से लेकर अब तक गिराते आ रहे हैं, हर बार आपने वोट दिया लोगों को, हर 5 साल में आपने 2 बार वोट गिराते हैं, एक बार विधानसभा के लिए, एक बार लोकसभा के लिए, लेकिन कभी आपको नोटिस नहीं लिया। और जब एक साथ खड़ा होके आपने चुनाव लड़ा तो आपने देखा कि आप जब लड़े तो आपका दुश्मन हारा, और आपकी अपनी एक पहचान बन गया कि पूरे बिहार में 18% वोट सन्नप मल्ला के साथ है और मजबूती से साथ है। लेकिन इनका नीति है कि समाज में जैसे अंग्रेज का नीति था, फूट डालो राज करो, आज वो भी चाहता है कि समाज को गुमराह करो, फूट डालो राज करो, एक आदमी को आगे कर बाकी लोगों को गुलाम बना के रखे। लेकिन अब ये नहीं चलेगा मोदी जी, अब ये नहीं चलेगा, अब सिर्फ आरक्षण चाहिए। हम लोगों ने एक नारा दिया है, यूपी बिहार झारखंड में निषादों ने ललकारा है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। आज का युवा सिर्फ पसीना बहाने के लिए नहीं है, जरूरी पड़ेगा तो अपने बच्चे के भविष्य के लिए खून भी बहाने के लिए तैयार है।
अब वो रिसात नहीं रहा कि 200 रुपया में अपने बच्चे का भविष्य आपके हाथों बेचेगा। आज रिसात बदल चुका है। आपने तो पूरा शक्ति लगा के देख लिए थे ना, जब हम उपचुनाव लड़े थे तो आपने बाहुबल को उतार दिया, धन बल मंत्री संतरी सबको उतार दिया। आपको क्या मिला? निषाद का ठेंगा मिला, एको को वोट नहीं मिला। आपने वो छापे भी दिखा दिया कि निषाद का वोट नहीं मिला, ठेंगा मिला। आपने कुरन्ने में भी आपको दिखा दिया कि निषाद ने बेटा आपको एको वोट नहीं दिया, सिर्फ ठेंगा दिया है, आपको वोट नहीं मिलेगा। जब तक आप निषाद की बात नहीं करेंगे, निषाद के आरक्षण नहीं देंगे, तब तक अभी कोई सुनने वाला नहीं है। निषाद का बेटा निषाद के बेटा के साथ खड़ा होगा, आपके साथ खड़ा नहीं होगा।